हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू फ्यूचर 50 यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीरामल एंटरप्राइज शेयर के ऊपर चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेड सेटअप आप देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर इस एरिया के अराउंड यहाँ पे एक डिमांड जोन को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे डिमांड जोन क्यों, यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट लेवल, यहाँ पे तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे हमने सपोर्ट को एक्ट किया है जो कि 2500 का जोन है। तो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी हम यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं काफी अच्छे से बाउंस बैक करते हैं। सिमिलर यहाँ पे रिसेंट टाइम में जो हमें फॉल देखने को मिला इसका जो सपोर्ट था इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिला और यहीं से यहाँ पे हम बाउंस बैक कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर इस एरिया को यहाँ पे हमें वॉच करके चलना है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक हम इस लेवल के ऊपर है यहाँ पे हमें बाय व्यू के लिए यहाँ पे सोचना है। अभी यहाँ पे जो रिसेंट टाइम का प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देखोगे तो पर्टिकुलर इस एरिया के अराउंड यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि 2670 के लेवल है। अभी इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को क्यों एक्ट किया यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्विंग ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जो कि इस लेवल के अराउंड यहाँ पे हमने सपोर्ट का एक्ट किया था और यही से यहाँ पे हमने काफी अच्छी मोमेंटम की थी अपसाइड की। तो जैसे यहाँ पे हमने इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया तो उसके बाद यहाँ पे जो सपोर्ट था हमारा सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, तो इसी लेवल को यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं। अभी आप देखो रिसेंट टाइम में यहाँ पे हमने 3 to 4 यहाँ पे 3 to 4 times यहाँ पे हमने ट्राई किया इस रेजिस्टेंस के लेवल को और जो क्लोजिंग है पर्टिकुलर इसी एरिया का अराउंड है तो कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ पे काफी अच्छी सी क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर हमें इस पर्टिकुलर एरिया का ऊपर यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी से अपसाइड की मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से पैटर्न फॉर्मेशन है उस हिसाब से हम यहाँ पे काफी अच्छी मूवमेंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैटर्न पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है काफी अच्छे से यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन है, काइंड ऑफ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इसकी जो पर्टिकुलर नेकलाइन है पर्टिकुलर इसी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक है यहाँ पर हमारी जो नेकलाइन है इसी एरिया के अराउंड है। अगर जैसे ही यहाँ पे हमें ब्रेकआउट सिग्नल देखने मिल जाता है तो यहाँ पर हम अग्रेसिव यहाँ पे हम बाइंग पोजिशन को एंटर कर सकते हैं और जो भी ब्रेकआउट कैंडल फॉर्मेशन बनेगी उसका लो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे हम 10 to 15 rupees के यहाँ पे मिनिमम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्विक मोमेंटम। और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट एक्सपेक्टेशन रहेगा 2700 का टारगेट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं T2। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारा 10 to 15 rupees का मोमेंटम एक्सपेक्ट रहेगी और यहाँ पे हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा 30 rupees का यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट हर्डल है यहाँ पे आप देख सकते हो 2720 के अराउंड है। तो लगभग यहाँ पे हमें काफी अच्छा स्पेस निकल आ रहा है। जैसे यहाँ पे हम इस लेवल का ब्रेकआउट करेंगे तो काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आप सर के देखने को मिल सकती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम बाइंग साइड के लिए सोचेंगे अगर इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है उसी पर्टिकुलर सिनेरियो में। और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ब्रेकआउट कैंडल का लो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अभी यहाँ पे हम जो एनालिसिस कर रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर कर रहे हैं लेकिन हमें जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है उसके लिए यहाँ पे हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे शिफ्ट करके चलना है जो आपको सुटेबल लगे, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। जैसे यहाँ पे हम इस लेवल के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाते हैं और उसका यहाँ पे फॉलोअप करना स्टार्ट कर जाते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्विक मोमेंटम यहाँ पे हो सकती है आफ्टर ब्रेकआउट। तो उसके लिए यहाँ पे हम स्मॉल टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट करेंगे। अभी यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है, सपोज यहाँ पे मान लो कल हम यहाँ पर गैप ओपन हो जाते हैं या फ्लैट ओपन हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम बेरिश कैंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन कर जाते हैं और आफ्टर दिस बेरिश कैंडल फॉर्मेशन अगर हम इसके बिलो यहाँ पे हम डाउन साइड मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट कर जाते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन को यहाँ पे वॉच करके चलना है और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पे हमारे जो बाइंग साइड का व्यू था इसे यहाँ पे हमें अवॉइड करके चलना है क्योंकि अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है और यहाँ पे फ्री फॉल भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम बाइंग साइकिल के यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे अगर यहाँ पे बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है इमीडिएटली अर्ली मॉर्निंग सेशंस में तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को यहाँ पे प्राइस एक्शन को यहाँ पे हमें वॉच करके चलना है। सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप तभी जाके हमें मिलेगा जब हम यहाँ पे हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर जोन को यहाँ पे
नीचे से ऊपर जाते समय यहाँ पे क्रॉस करके सस्टेन कर जाते, तभी जाके यहाँ पे हमें काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, तभी जाके हम काफी अच्छे यहाँ पे ट्रेड सेक्टर को यहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।